डियर स्टूडेंट, आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by using quadratic formula. मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें x square plus bx plus c is equal to 0, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर टू ए, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट इज एन इजी वे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स ट्राई, see how it is easy and solve. 2 minus x square is equal to 7. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर कैसे कन्वर्ट करना है, आपने इस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। सबसे पहले x की टर्म, फिर आपके पास x और फिर कांस्टेंट टर्म्स इज इक्वल टू 0 के बराबर आपने लिखा है, तो आपके पास हो जाएगी x square और ये कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाए तो आपके पास आ जाएगी x square plus 7x minus 2 is equal to 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सबसे पहले थे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप यहां देखें कि x square के साथ क्या चीज है हमारे पास, x square के साथ हमारे पास क्या चीज है, x के साथ क्या चीज है और सिंपल कांस्टेंट टर्म क्या है। सॉरी, अब यहां पर आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हियर a इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ क्या चीज है आपके पास, कौन सा नंबर है, 7। शाबाश। और c, हियर द वैल्यू ऑफ c विल बी c इज इक्वल टू माइनस। ओके, सो we जस्ट put the value of a, b, c in the quadratic form. Okay? It is quadratic in x. अब quadratic formula लिखें, since x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2। तो ये फॉर्मूला लिखिए और इसमें a, b, c की वैल्यू आपने पुट करने से और इसको सिंपलीफाई करने। तो देखिए आपके पास माइनस फॉर्मूले में ये लिखिए, b की वैल्यू आपके पास 7 है तो 7 लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए प्लस माइनस, इधर b का स्क्वायर करें 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 2 over 2a, 2 into a की वैल्यू 1, इसको सॉल्व कर लें आप, तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस इनटू माइनस प्लस 4 टू का a over 2, सो वी हैव माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 over 2, बस इट इज आंसर, सॉल्यूशन। अगर तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इट्स ओके, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। पास कर, लेट्स सी एन अदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1, 7 पार्ट।
3 over x minus 6 minus 4 over x minus 5 is equal to 1. So first of all, we have to convert this form of equation into standard form of quadratic equation. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बनाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एलसीएम आ जाएगा बेटे. सो हेयर वी हैव 3 इंटू एक्स माइनस फाइव एंड 4 इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 1. मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. 3x माइनस 15 माइनस 4x माइनस 24 is equal to 1 divided by x square minus 5x minus 6x plus 30. Solve kar le isko. 3x minus 15 minus 4x plus 24. When we open the brackets and if we have minus sign outside the bracket, then the sign inside the bracket will be changed. X square minus 11x plus 30 is equal to 1. तो यहाँ पर आपके पास 3x minus 4x minus x 24 minus 15 we have plus 9. Plus 9 divided by x square minus 11x plus 30. इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9. इसको भी आप लेफ्ट साइड पर ले आए. एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0. सो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल कर ली है. अब आपने इसको सिर्फ फार्मूले में पुट करना है, सिर्फ इस फार्मूले में पुट करना है. सो हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 10, सी इज इक्वल टू 21. C इज इक्वल टू 21. तो इसमें हमने सिर्फ पुट करना है. तो आप देखें क्या आता है आपके पास. x इक्वल टू माइनस, ये माइनस फार्मूले में, और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 है. तो b को माइनस 10 ब्रैकेट में लिख दीजिए. और यहाँ पर b का स्केयर है माइनस 10 का स्केयर 4. a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास 21 है ओवर 2a. तो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 48. 4 एंड 4 टू ज 8, 84 सॉरी. और ये आपके पास आ जाएगा 2. सो 10 प्लस माइनस 16 ओवर 2. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 आ जाएगा. ओके ओवर 2. तो ये चीज़ आपके पास आ गई. ठीक है बेटा. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2. ठीक है बेटा. प्लस माइनस 4 है तो 4 को एक दफ़ा प्लस में और 10 के साथ और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे. तो ये आ जाएगा आपके पास 14 ओवर 2 इज इक्वल टू 7. और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 6 ओवर 2. तो ये आपके पास आ जाएगा 3. तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास दो वैल्यूज आ गई. एक आ गई 2 ओवर 7, एक आ गई आपके पास 7 सॉरी, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई 3. ये दिस इज सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन. बंद कर. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर
1.3 solve the equation (2x4 minus 11x square plus 5 is equal to 0. आप भी हैरान होंगे कि सर ने तो ये 4 डिग्री इक्वेशन लिख दी, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट, हम जो भी इक्वेशन आपके पास आए तो आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 डिग्री, इट इज़ 4 डिग्री इक्वेशन है, और अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे कन्वर्ट जी, हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह पर ए पुट कर दें, एक्स स्क्वायर की जगह पर पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर आप ए पुट कर दें तो एक्स की पावर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि एक्स 4 की जगह आप क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर। तो ये देखिए, अगर आप एक्स 4 की जगह पर ए पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह आपने ए पुट किया 11 ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसको दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। जो भी आपके पास अगर 6 पावर है, 8 पावर है, फ्रैक्शन में है कोई चीज़, तो आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, कोई इसमें मुश्किल नहीं। अभी इसको आप चाहे फैक्टराइज करें, जो भी करें इसको सॉल्व कर। अब ये देखें, इस बाई फैक्टराइजेशन कर लिया जा सकता है, 2 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दें आपके पास आ जाएगा 10, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और ऐड करें अगर उन्हीं नंबर को ऐड करें तो -11 आए। तो अब कौन कौन से नंबर्स 10 के ऊपर मल्टीप्लाई, 10 के फैक्टर्स होते हैं, 10 वन्स आर 10, 10 ये भी होते हैं, 10 इंटू 1 10 होते हैं, और 10 और 1 को ऐड कर लें तो आपके पास 11 बन जाते हैं, ये गुड। अब हमें चाहिए -11 चाहिए। अगर देखें आपके पास -10 हो और -1 हो तो -11 आ जाता है, और -10 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 आ जाता है। तो ये फैक्टर हमारे सही हैं, प्लस वाले दोनों फैक्टर आपके पास सही नहीं थे। हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप उसके फैक्टर को चूज़ कर लेते। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, अभी पहले और आखिरी नंबर को कांस्टेंट को वैसे ही लिख देना है, ये आपने 5 इज इक्वल टू 0, और -11 को आपने क्या लिखना है, -10 -1, -10 इसके साथ ए लिख दें और 1 ए, ओके, या -10 -11 -11 -10 -1 -11 बन जाते हैं। और अभी हम देखते हैं कि फैक्टर्स, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉमन फैक्टर हासिल होता है। अभी आप ये देखें, इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 2a, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, a -5, और यहाँ पर -1 अगर कॉमन ले लें तो a -5। तो सही फैक्टर अगर ये आपने लिए हैं, अगर ये आपने चूज़ किए हैं, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आपके पास हर सूरत में हासिल होंगे। तो ये आपके पास आ गया a -5 और 2a -1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, वही प्रोसीजर जो पहले किया हुआ है, a -5 इज इक्वल टू 0 और 2a -1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई जी, a इज इक्वल टू 5, और इधर a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 राइट साइड पर जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 1/2। अब आप ये देखें a की वैल्यू आ गई, लेकिन आपके पास क्वेश्चन x में है, तो x में दोबारा से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, x में दोबारा से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखें a की वैल्यू आपके पास क्या थी, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5, प्लस माइनस अंडर रूट 5, 5 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा,
फाइव है, और एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर टू, तो x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस वन बाई टू। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। तो ये सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी इसका, आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट फाइव एंड प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट टू, इट इज अवर सॉल्यूशन सेट। इस आपने इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो फिर आप जिस मर्जी मेथड से, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, चाहे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये वाला स्टेप आपने कन्वर्ट करने। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। एक्स रेज टू पावर टू ओवर थ्री प्लस 54 इज इक्वल टू 15 एक्स रेज टू पावर वन ओवर थ्री। अरेंज कर लेते हैं इसको, 2 ओवर 3 माइनस 15 एक्स की पावर 1 ओवर 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो हियर इफ वी पुट एक्स इज पावर 1 ओवर 3 ए के बराबर, तो एक्स इज पावर 1 ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्केयर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर टू ओवर थ्री इज इक्वल टू ए स्केयर। तो अब ये इक्वेशन आपके पास है, इसकी जगह पर आपने लिख दिया ए स्केयर माइनस 15 ए प्लस 54। अब देखें 51 और 54 को मल्टीप्लाई करें, 54 आ गया, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें प्लस 54 आए, और उन्हीं नंबर को अगर ऐड करें तो आपके पास क्या आएगी, माइनस 15। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, 54 के देखें प्राइम फैक्टर देखते हैं, नाइन सिक्स द नाइन और सिक्स अगर नंबर देखें, माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस 15, माइनस सिक्स को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता। तो ये इसके फैक्ट बन के फैक्ट, ए स्केयर माइनस सिक्स ए माइनस नाइन ए प्लस 54 इज इक्वल टू ज़ीरो, ए कॉमन ए माइनस सिक्स माइनस नाइन कॉमन ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ए माइनस सिक्स और a माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। वही सेम चीज़ एट क्लास में भी हमने पढ़ा है, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है, टेंथ क्लास में वही चीज़ें हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि a माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और a माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू सिक्स। और a की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी बेटा, a की वैल्यू आपने, a की वैल्यू क्या थी असल में, किसके अगेंस्ट थी, वन ओवर थ्री के बाद, तो ये आ गया, और a इज इक्वल टू नाइन, a की जगह पर आपने वन बाई थ्री एक्स की पावर वन बाई थ्री। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन सेट आपके x की वैल्यू चाहिए थी, राइट। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू एक्स की पावर गिवन है वन बाई थ्री, तो एक्स अकेला लाने के लिए आपने दोनों साइड का क्यूब ले लेना, इधर भी अगर थ्री ले लें और इधर की भी पावर थ्री ले लें तो ये इससे कैंसिल हो जाती, तो एक्स की पावर आ जाएगी, तो इसको सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से इधर एक्स की पावर थ्री इंटू थ्री नाइन की पावर थ्री, ये थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स इक्वल टू नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, ये आपके पास आंसर है, ठीक है बेटा।
आसान से क्वेश्चंस हैं, ये जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपने इसमें सॉल्यूशन सेट में आपने लगा दी, ठीक है बेटा जी, इट्स ओके। तो ये आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। इस टाइप की जो इक्वेशंस आती हैं, इसको रेसिप्रोकल इक्वेशंस के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी कहलाती हैं। अब ये देखिए, ये आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन अगेन। अब यहाँ पर कोई किसी जगह पर आपके पास कॉमन लेना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उस टाइप की कोई सूरत हाल हमारे पास इसमें नहीं बन रही। अब हम करते क्या हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब सारी इक्वेशन की, इस इक्वेशन की हर टर्म को आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस टू ओवर एक्स और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की टर्म्स अलग कर लेनी और एक्स वाली टर्म्स आपने अलग कर लेनी और कॉन्स्टेंट नंबर अलग कर लेनी। अब यहाँ देखिए, आपके पास ये स्क्वायर की टर्म्स अलग कर ली तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ इन दोनों में से आपके पास माइनस टू कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू। अब आपने पुट करना है, देखिए एक्स माइनस वन ओवर एक्स को ए के बराबर पुट किया, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इसको अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस टू को राइट साइड पर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू। तो इस जगह पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पर आपने क्या लिख दिया जी, ये लिख दिया ए स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस टू लिख दिया, राइट। माइनस टू, माइनस टू लिखा ये आपने, ये माइनस टू, और एक्स माइनस वन बाई एक्स की जगह पर आपने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ये आपने ए लिख दिया, और ये नेक्स्ट आपके पास टर्म में माइनस टू ये लिख। इसको सॉल्व किया आपने, देखिए ये प्लस टू और माइनस टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ए स्क्वायर माइनस टू आपके पास बच जाएगा। इन दोनों में से ए को कॉमन लिया तो ए ए इंटू ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि आप ए से डिवाइड करके सिर्फ ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये एमसीक्यूज के अंदर भी यही क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट ए और जीरो हो, ए जीरो एंड टू बनेगा, सिर्फ टू अगर सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे दिस विल बी द दैट विल बी द रॉन्ग। ये आम तौर पर एमसीक्यूज क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है जिसको सॉल्व करना होता है, तो जो बच्चे गलत लिख कर आते हैं इसको अवॉइड करना। तो ए इज इक्वल टू जीरो और ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू लगाई आपने, ए की वैल्यू आपने क्या सपोज की हुई है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स यहाँ लिख दिया आपने, एक्स एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक तो ये आपके पास आ जाएगा। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि ये कभी नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर ए को डिवाइड कर, ऐसा ऐसा नहीं हो, ठीक है। ये यहाँ पर दो रूट्स बनेंगे, इसको आपने खास तौर पर रखना। अब ये इसी तरीके से यहाँ तो एक्स तो ये ज़ीरो के बराबर यहाँ पर नहीं हो सकता, एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू प्लस, जब भी स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट लोएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस में आंसर आएगा, सिर्फ प्लस में आंसर नहीं लिखना, गलत होगा। इसी तरीके से ये यहाँ पर देखें आप, a माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ए की क्या वैल्यू बेटा आपके पास, x माइनस वन ओवर x, x माइनस वन बाई एक्स, ये देखिए ये सपोज, तो ए की जगह पर लिख दिया, x एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स बन गया, x को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टराइजेशन जिसके ना हो रही हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल कर ले तो आपके पास रेडिकल साइन में आपके पास जवाब आ जाए। तो ये ए की वैल्यू वन एक्स स्क्वायर के साथ, बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू माइनस वन, तो ये आपने क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है तो एक्स लिख दिया।
अगर यहाँ ए होता तो ए लिख देते, यहाँ पर जेड होता तो जेड लिख देते, ये चूंकि एक्स में इक्वेशन है तो एक्स के साथ लेकर वैल्यूज़ आपने जस्ट पुट किए और इसको आपने सॉल्व किया। अंडर रूट एट सॉल्व हो सकता है, इसको टू अंडर रूट टू लिख सकते हैं। तो इसमें से दो टू कॉमन लिया और ये बच जाएगा टू इंटू वन प्लस माइनस अंडर रूट टू, टू से टू कैंसिल, दो वैल्यूज आपके पास आ गई। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन।